Bismillahir Rahman Rahim. Dear students, Assalamu Alaikum. Today's topic OIC and Pakistan, class inter, subject Pakistan studies, chapter 8, Pakistan and the Comity of Nations. Organization of Islamic Cooperation, OIC, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद 25 सितंबर 1969 को मराकश के शहर रबात में हुई। ये एक कलेक्टिव वॉइस है मुस्लिम उम्मा की। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिद्दा सऊदी अरेबिया में है। इसका प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल जो है यूसुफ बिन अहमद अल उस्मान है सऊदी अरेबिया का। ये किस लिए बनी, क्यों बनी, इसकी जो वजूहात हैं, खिलाफत उस्मानिया का ख़त्म होना, पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर, इसराइल और अरब के दरमियान जो जंग चली 6 दिन वो, और इसका जो तुरंत और इमीडिएट जो काज है वो यहूदियों की तरफ से अल अस्का जो मस्जिद है उसकी बेहरमती थी। क्यों, जो यहूदी थे उन्होंने अगस्त 1969 को मस्जिद की बेहरमती की, उसको आग लगा दी जिसमें मुस्लिम उम्मा के दरमियान बहुत गम और गुस्सा पाया गया। इस वजह से मुसलमानों ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें 7 रुकनी फॉरेन मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई गई जिसमें पाकिस्तान भी उसका मेंबर था। और उसके बाद जो है ना इसको फाइनली 25 सितंबर 1969 को बुनियाद डाला गया। ओआईसी के जो मेंबर्स हैं वो 57 कंट्रीज हैं, उसमें अफ्रीकन 27 हैं, एशियन कंट्रीज 25, यूरोप में 3, साउथ अमेरिका में 2। और ये जो लिस्ट है वो आपके सामने 57 कंट्रीज़ की दी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। इसमें अगर कोई भी कंट्री इसकी मेंबरशिप में विदड्रा करना चाहे तो वो उसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है सेक्रेटरी जनरल को, और फिर उसके बाद उसकी मेंबरशिप ख़त्म की जाती है। लेकिन तमाम के तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हैं, और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसमें डोनेशंस देते रहते हैं फिर एक दूसरे के लिए, जो ना तावन करती है या मदद में काम करती रहती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओआईसी जो है वो इस तरह की, इस्लामिक समित कॉन्फ्रेंस होती है इसकी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, ये सेक्रेटरी जनरल्स, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, एफिलिएशंस इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा इसके कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो नीचे ये दिए हुए हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक स्टेट ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इस्लामिक न्यूज़ एजेंसी, इस्लामिक कमेटी ऑफ इंटरनेशनल क्रेजेंट, द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इस्लामिक समित कॉन्फ्रेंस जो होती है वो हर 3 साल के बाद होती रहती है, जिसमें द हेड ऑफ द स्टेट्स और किंग्स जो भी होते हैं वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो है ना पहलू पर जो है ना गौर किया जाता है, जहाँ जो भी मसले वगैरह होते हैं उस पर डिस्कस किया जाता है। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो होती है वो साल में एक मरतबा होती रहती है। ओआईसी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इस तरह हैं कि एक दूसरे के साथ यकजहती और उखवत को बढ़ाना है मुस्लिम स्टेट्स के दरमियान, और यकीनी बनाना है एक दूसरे के साथ जो है पार्टिसिपेशन मेंबर स्टेट्स के, उसमें सियासी हो, मुआशी हो, समाजी हो, इसमें सारे जो वफाद हैं
इसमें क्या करना है, सिक्योर करना है। दूसरा जो है ना, इस्लाम का जो है ना इमेज है उसको प्रोटेक्ट करना है ग्लोबली। जो भी इस्लाम के खिलाफ कोई भी बातें होती हैं, प्रोपेगेंडा, जैसे इस्लामिक फोबिया होता है, खास करके मगरबी कंट्रीज़ जो करती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़। साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, उसके लिए रिसर्च को बढ़ाना है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना है मुख्तलिफ फील्ड्स में। और ऐसी जो है ना कुछ एफर्ट्स लेनी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान। प्रिंसिपल्स ऑफ द ओआईसी जो हैं, बराबरी हो मेंबर स्टेट के दरमियान, एक दूसरे की जो सॉवरेंटी, खुद मुख्तियारी और आज़ादी का एहतराम हो, इंटीग्रिटी का, एक दूसरे के इलाकों का। सेटलमेंट फॉर कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी जो इश्यूज हैं वो पीसफुली उसको सॉल्व किया जाए, एक दूसरे से निगोशिएशन की जाए, मुज़ाकरात करके ज़्यादा से ज़्यादा पुरअमन उसको ना हल किया जाए। एब्जेंशन फ्राम द थ्रेट्स ऑफ द यूज़ ऑफ फोर्सेस अगेंस्ट टेरिटोरियल, एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, और नेशनल यूनिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस में यकीनी बनाया जाए किसी भी अगर मेंबर कंट्री के दरमियान कोई मसला होता है। रिस्पेक्ट करनी है हक खुद इरादे, सेल्फ डिटर्मिनेशन, और एक दूसरे के जो है ना मसाइल में, जो घरों मसाइल हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, अफेयर्स हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करनी। उनके ज़ाती जो भी कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, उनके जो भी ज़ाती मसाले मसाइल हैं उसे गुरेज करना है कि उनकी अपनी सॉवरेंटी है, खुद मुख्तियारी है। वीकनेस ऑफ ओआईसी, ओआईसी मेंबर्स जो हैं ओवरऑल 22% रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन में, और इनकी जीडीपी 1.3 है। और इसी तरीके से जो ये कंट्रीज़ हैं, एक दूसरे की जो है ना पॉपुलेशन में, मसले मसाइल में उसी तरीके से काम नहीं कर पाए जिस तरह करना चाहिए, जहाँ एक दूसरे की जो है ना सेफ्टी करनी चाहिए थी। जैसे फ़लस्तीन का मसला है, कश्मीर का मसला है, बोस्निया का मसला है, इस तरह के बहुत सारे ओआईसी के होते हुए भी इशू होते रहे हैं। तो एजुकेशन में, मआशरत में एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेशन नहीं हुआ जो होना चाहिए। कंक्लूजन इस तरह के, ऑल समिट कॉन्फ्रेंस क्लियर इशूज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओआईसी इज टू प्रोमोट हारमोनी एंड ग्रेट कोऑपरेशन अमंग मुस्लिम्स। ये जब भी मीटिंग में अगर मुज़ाकरात होती है तो उसमें तो ये कहा जाता है कि मुसलमान के दरमियान क्या करेंगे, तावन करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। तो कुछ हद तक इसमें ये कमा भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं, कि सीरिया का मसला हो, इसराइल और लेबनान का मसला हो गया, ये फ़लस्तीन में जो इसराइल के साथ इशू चल रहे हैं, तो उसमें कलेक्टिव और इफेक्टिव जो है ना इनके रिज़ल्ट खातर ख्वाह नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से मुसलमानों के साथ जिधर भी मसले हैं आजकल वो मुसलमानों के साथ हैं। वजह क्या है कि लैक ऑफ यूनिटी, एक दूसरे के साथ जो है ना इत्तेहाद जो है ना वो उसमें कमी रह जाती है, कोई अपने अपने इश्यूज़ होते हैं। इस वजह से जो भी गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इनको जो है ना कैप्चर करने में लगे रहते हैं। पाकिस्तान रोल इन ओआईसी, पाकिस्तान का जो किरदार है वो बड़ा अहम किरदार रहा है ओआईसी में, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, खुसूसन इस्लामी जो ममालिक कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान हर जो मुस्लिम कंट्री का मसला दुख होता है वो अपना समझता है, और हर मुस्लिम कंट्री को अपना दूसरा घर तस्लीम करता है, सेकंड होम कंट्री। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मसले पर जो है हमेशा साथ दिया है, मिलिट्री आर्मी के हिसाब से तावन में कोऑपरेशन किया है हर लेवल पर, नेवल हो कुछ भी हो। कश्मीर का मसला पाकिस्तान हाईलाइट करता रहा है ओआईसी के फॉर्म पर, या इसी तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना एक कश्मीर का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, और इंडिया के अगेंस्ट जो है ना अपनी वॉइस रेज करता रहा है। तो पाकिस्तान की वजह से जो है ना ओआईसी में रिप्रेजेंटेशन या अहमियत मिलती रही है पाकिस्तान की कोशिश। पाकिस्तान ने हमेशा बोस्निया का मसला हो, क्रोटेंस का हो, सर्बिया का मसला हो, उस पर भी जो है अपनी वॉइस बुलंद करता रहा है।
पाकिस्तान ने हमेशा मिलिट्री और टेक्निकली जो जो इश्यूज़ हैं उसको जो है सपोर्ट किया है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान का एक अहम रोल है। पाकिस्तान का जो है सेकेंड OIC का जो इजलास हुआ था 1974 में लाहौर में, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मदद से हुआ था, जिसमें 40 से ज़्यादा तकरीबन 40 कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स आए थे। और ये बड़ी अचीवमेंट थी आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका। पाकिस्तान 1971 में दो लख्त हुआ, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुई जो बांग्लादेश बना। इसी तरीके से पाकिस्तान का एक बड़ा जो है अहम रोल रहा है OIC में, और हर मुस्लिम कंट्री का मसला वो अपना जो है मसला समझता है।